हाँ जी गाइस, तो ये है सबसे बेस्ट डोंगचेंज कंपनी का हैमर प्लस ड्रिल मशीन। ये जो मशीन है वो प्रोफेशनल उसके लिए है, लेकिन हम तो इसको होम वे यानी कि घर के उसके लिए लाए। लेकिन ये जो मॉडल नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, DZJ0213। ये जो मॉडल है उसमें हमें 500 वाट की जो मोटर है वो देखने को मिलने वाली, इसके साथ 2600 RPM हमें देखने को मिला जिसके इसका पावर है। अब ये जो ड्रिल मशीन है वो हमें 2400 में पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर में क्या मिलता है और ये आपको लेना चाहिए या नहीं, वो इस वीडियो में हम जानने वाले। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हैमर प्लस ड्रिल मशीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक हैमर का है और ये 13 यानी कि 13 mm का है, तो आप देख सकते हैं अपनी ओर से। और ये डोंगचेंज कंपनी का आता है और यहाँ पर आपको एकदम स्पीड के लिए जो बटन है वो तो नहीं आता, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक इसको चाहते हैं तो यहाँ पर दबा रखना और ये बटन दबा देना तो वो पोज हो जाएगा वहाँ पर। और इस यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जो भी RPM और वो सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो वायर की क्वालिटी, यहाँ पर जो बटन आता है ना स्पीड कंट्रोल का वो तो नहीं आता, लेकिन इसको आप दबा के रख सकते हैं और यहाँ पर जो स्विच है उसको दबा रखते तो वो स्पीड आपकी ऐसी रहेगी। अब ये जो इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो वैसे तो प्लास्टिक है, लेकिन ABS प्लास्टिक है जिसकी तरह से इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इस अब ये जो इसके मटेरियल है उसके जो बॉडी की बात करूँ तो ये ABS प्लास्टिक पर, अगर इसके ये मशीन की बात करें तो ये 13 mm का है और डोंगचेंज कंपनी का आता है। अब यहाँ पर ये जो स्विच है इसमें हम नीचे रोटेटिंग स्क्रू तो नहीं मिलता है कि आप स्पीड बदल सको, लेकिन इसको आप दबा के रख सकते हो और स्पीड जो भी आपको रखनी है वो ऑटोमेटिकली रख सकते हो। इसके साथ ऊपर हमें हैमर के भी स्विच मिलती है, जो कि इसमें ज़्यादातर हैमर आपको पावर दिखेगा नहीं, लेकिन कंपनी ने दिया है तो इसको आप थोड़ा घना यूज़ कर सकते हो। इसके साथ अगर मैं इसके बॉडी की बात करूँ तो ये भी प्लास्टिक है, जो कि प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और वायर की क्वालिटी भी मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, लेकिन वायर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें ये थिक भी है और अच्छी तरह से वायर की क्वालिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका मशीन का अगर मैं टेस्ट करके बताऊँ तो सबसे पहले इसके साथ हमें वो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो हमें हैंडल और ये जो दो हमें देख सकते हैं ना, वो एक लेवल करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इसको आपको कैसे लगाना है, तो वो आप आगे वीडियो देखिए। और यहाँ पर हमें एक रिवर्स और फॉरवर्ड की भी देखने को, यानी कि जो मशीन है वो एक दिशा में घूमेगा और उसका रिवर्स दिशा में घूमेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर स्विच है वो यहाँ पर कर देंगे तो R लिखा हुआ है, R का मतलब रिवर्स और F का मतलब फॉरवर्ड, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा यानी कि हमें बाहर से दुकान से खरीदे हुए कुछ ऐसे अटैचमेंट है, जो कि ये दोनों है वो कंक्रीट के लिए है और ये जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेटल में, और ये जो है वो स्क्रू ड्राइवर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। 8 mm और ये 10 mm का है, जो कि आप पत्रे में जो खेल ठोकने आती है वो उसको आप फिट कर सकते हैं। और ये कुछ आप बाहर से खरीद सकते हैं, जो हमने पैसे देकर खरीदे आप भी खरीद सकते हैं।